घरोंडा नेशनल हाईवे बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के ऊपर हमला हो गया, जिसमें गोलियां भी चली और इससे दो कर्मी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में भी फायरिंग कर दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों को खाकी का कितना खौफ है। मामला देर रात 3 बजे के आसपास का है, जब स्विफ्ट कार में सवार 4 से 5 युवक आए और कर्मियों की माने तो चारों युवक नशे में थे और वह मौके पर मौजूदा टोल कर्मी से हाथापाई और मारपीट करने लगे, जिस पर देखते देखते विवाद बढ़ गया। टोल कर्मियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं आरोपी युवक भी अपने एक साथी को बुला लाए जो कहता है कि मैं घरोंडा से हूँ, जिसके बाद माफी तक की बात आती है लेकिन उसके बाद फिर हाथापाई हो जाती है, जिस पर आरोपी द्वारा बुलाया गया युवक मौके पर गोली चलाता है, जिसमें 2 टोल कर्मी घायल हो गए। एक को गोली के छर्रे लगे और दूसरी की टांग के निचले हिस्से में गोली लगी है। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती है। टोल कर्मियों ने अपनी शिकायत मधुबन पुलिस थाने में दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 4-5 बंदे थे गाड़ी में और वो एग्जामिनेशन के लिए लड़के को फोर्स कर रहे थे, लड़के ने मना कर दिया। उसके साथ तो लड़के के साथ मारपीट करने लगे तो लड़के को हमने अपने पास बुला लिया। अपने यहाँ कंट्रोल रूम के पास आने के बाद वो हमने PCR को फोन कर दिया, अपनी पुलिस आ गई थी और अपना समझौता चल रहा था कि समझा रहे थे कि सॉरी वोरी बोल रहे थे। एक बंदा आया घरोंडे से, उसने निकाल के फायर कर दिया पुलिस के सामने। वो बंदा बाद में आया था उनसे, पहले वो 5 बंदे थे, छठा बंदा घरोंडे कह रहा कि मैं घरोंडे से आया हूँ। फायर तो एक ही किया था, अरे जो दो एक हमारा TC है और एक गनमैन है, उन दोनों को गोली लगी, डिंग किया हुआ था सर दोनों। आज न्यूज के लिए घरोंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।